चलो आज हम करेंगे। हमने पिछली वाली क्लास में ये देखा था ना कि हम किसी भी दो नंबर्स का हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। तो थोड़ा सा पहले मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको कि अभी तक हमने जो भी चीज़ें करी हैं थोड़ी बहुत उनको रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले सीखा कि अगर हम प्रिंट कमांड में डबल कोट्स लगा के कुछ लिखते हैं वो हमें अपने आउटपुट स्क्रीन पे दिखता है, राइट। ये देखो ऐसे हमें दिखता है, हमने हाय लिखा था तो हमें यहाँ पर हाय मिल गया है, राइट। अच्छा, और हमने क्या देखा कि अगर हम डबल कोट्स यूज़ नहीं करते हैं और अगर हम सिर्फ सिंगल कोट्स यूज़ करें तो भी हमें अपना आंसर आउटपुट स्क्रीन पर मिल जाएगा, राइट। लेट्स सी, ये देखो हमें मिल जाता है। अभी हमने फर्स्ट क्लास में ये सीखा था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैंने आपको क्या सिखाया कि अगर हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है, लाइक 2 + 6 करना है और हम चाहते हैं इसका आंसर डायरेक्टली प्रिंट हो जाए आउटपुट स्क्रीन पे, तो हम कोई भी कोट्स यूज़ नहीं करेंगे, राइट। हमने कोई भी कोट्स यूज़ नहीं करे, सॉरी, ये देखो हमने कोई भी कोट्स यूज़ नहीं करे हैं इसमें, है ना। तो ये हमने सेकंड क्लास में सीखा और मैंने आपसे कहा था कोई भी दो नंबर लो और उसको एडिशन, उसका एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, सारी चारों की चारों चीज़ें करनी थी और आप लोगों ने बहुत अच्छा करके मुझे दिखाया भी। आज हम थोड़ा सा डिफरेंट वे में करेंगे, यही चीज़ करेंगे, दो नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम उसको डिफरेंट तरीके से करेंगे। वो कैसे? सपोज मैंने एक नंबर लिया अपना ए, ठीक है। मैंने ये कहा कि ए जो है उसकी वैल्यू है 3, ठीक है। जब भी हमें किसी भी चीज़ को हमें कोई वैल्यू देनी होती है तो हम उसको ऐसे लिख देते हैं। सपोज मैं चाहती हूँ ए के अंदर 3 वैल्यू आ जाए, मतलब कि ए की वैल्यू जो है वो 3 बन जाए, तो मैं सिंपल ऐसे लिख दूंगी जैसे हम मैथ्स में लिखते हैं ना, तो ए इज इक्वल टू 3, एक्स इज इक्वल टू 4, कुछ भी लिख देते हैं हम उसको कहते हैं ना कि एक्स की वैल्यू 4 है, तो हम कैसे लिखेंगे एक्स इज इक्वल टू 4। अगर हम कहना चाहते हैं कि ए इज इक्वल टू 3 है तो हम इस तरह से लिख देते हैं ए इज इक्वल टू 3, ऐसे ही मैथ्स में लिखते हैं, इसमें भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया ए इज इक्वल टू 3, ठीक है। दूसरा मैंने लिखा, अब सपोज मैंने अगर ए इज इक्वल टू 3 लिखा और मैंने लिख दिया ब्रैकेट में, प्रिंट में लिख दिया ए। अब आप एक चीज़ नोटिस करना, ये चीज़ नोटिस करो, मैंने जब प्रिंट ए लिखा है मैंने इसमें कोई भी कोट्स नहीं लिखे, मैंने डायरेक्टली लिखा प्रिंट ए, ठीक है। मैंने इसमें कोट्स यूज़ नहीं करे हैं, ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब लेट्स सी आउटपुट क्या आता है। ये देखो हमने लिखा था ए इज इक्वल टू 3 और सिंपल लिखा हमने प्रिंट ए, तो क्या हो गया 3 प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ए की क्या वैल्यू थी? ए की वैल्यू थी 3, राइट। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने कहा बी इज इक्वल टू, नहीं बी छोड़ो, अभी ए का ही करते हैं, ठीक है। हमने कहा कि ए जो है ए इज इक्वल टू, हम उसको अब कह देते हैं ए इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब हमने ए के अंदर क्या डाल दी? 5 वैल्यू। अब आप प्रिंट ए करा के देखो, लेट्स सी। देखो जब हम उसे कह रहे हैं ए की वैल्यू 3 है ऊपर फर्स्ट लाइन में, तो सेकंड लाइन में क्या प्रिंट हुई वैल्यू? 3। जब हमने उसको थर्ड लाइन में बोला ए इज इक्वल टू 5, तो लास्ट लाइन में हमने लिखा था प्रिंट ए, अब ए की वैल्यू क्या हो गई? 5। आपको बात समझ में आ रही है? ये देखो जब ए की वैल्यू 3 थी और हमने प्रिंट ए कराया तो हमारी वैल्यू 3 आई, ठीक है। फिर हमने कहा कि नहीं ए 3 नहीं है, ए 5 है, तो प्रिंट, जब हमने प्रिंट ए किया तो ए की वैल्यू क्या लिखी हुई आई? 5 लिखी हुई आई। ये बात समझ में आ गई बहुत अच्छे से? ओके, नाउ अब हम ये प्रोग्राम डिलीट करते हैं, इतना ही चलते हैं, ठीक है। अब देखो ए इज इक्वल टू 3 है और मैंने कहा अब जो है ए जो है वो बन जाएगा ए इज इक्वल टू ए, नहीं अब मैं कहती हूँ बी,
बी इज इक्वल टू 4 है, ठीक है, और मैं प्रिंट करा रही हूँ ए प्लस बी, क्या आंसर आना चाहिए? और कोट्स यूज नहीं करने हैं बेटा, ठीक है। देखो मैंने क्या कहा, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू है 4, और मैं प्रिंट करा रही हूँ ए प्लस बी, ठीक है। सो लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। 7, सी आंसर इज 7। क्यों आया 7? क्योंकि ए की वैल्यू 3 थी और बी की वैल्यू 4 थी, और यहाँ पर हमने प्रिंट ए प्लस बी लिख दिया, सो 3 प्लस 4 डेट इज इक्वल टू 7, सो इसलिए आंसर हमारा 7 आया। ओके नाउ अब मैं कहती हूँ कि ए प्लस बी हो गया है, ए प्लस बी नहीं चाहती, अब मैं चाहती हूँ कि ए इंटू मतलब मल्टीप्लाई बी हो जाए, क्या आंसर आना चाहिए? 12 आना चाहिए। यस, 3 इंटू 4 12, सी हमारा आंसर 12 आया, राइट ठीक है। अब मैं चाहती हूँ ए इंटू 4 ना हो, बी माइनस ए हो जाए, ठीक है। देखें 4 माइनस 3 क्या होगा, 1, सी योर आंसर इज 1, ठीक है। सो अब आपको बात समझ में आ गई, हमने पिछली वाली क्लास में क्या किया था, हमने ए और बी डिसाइड नहीं करे थे, है ना, हमने डायरेक्टली बोल दिया था कि हम इस तरह से कर रहे थे ना कि प्रिंट 3 प्लस 4, हम ये लिख रहे थे, हम ए और बी नहीं लिख रहे थे, इस बार हम ए और बी लिख रहे हैं, हमने वेरिएबल्स डिसाइड कर रहे हैं इस बार। वेरिएबल्स के बारे में हम आगे और भी डिस्कशन करेंगे, वेरिएबल्स क्या होता है ये वो। अभी आप बस ये सोचो कि हमने ए और बी की वैल्यू डिसाइड करी है, और ए और बी के हम जो भी करना चाहें हम वो कर सकते हैं, हमें बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है 3 4 3 4, हम डायरेक्टली ए और बी लिखेंगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो अब मैं डायरेक्टली लिखना शुरू कर दूंगी, ए और प्रिंट ए बी, जैसे हमने पिछली क्लास में कैसे किया था, सम इज राइट, ऐसे किया था ना, फिर नेक्स्ट में लिखा था हमने प्रिंट ए प्लस बी, यस, फिर नेक्स्ट में लिखेंगे अब हम प्रिंट सब्ट्रैक्शन इज, प्रिंट बी माइनस ए, ठीक है, इतना देख लेते हैं। सी देखो कितना अच्छा लिखा हुआ आया, सम इज ए प्लस बी क्या होता है, 3 प्लस 4 इज 7, राइट, बी माइनस ए, 4 माइनस 3 इज 1, यस ऐसे ही आ गया, ठीक है। आगे वाली चीज लिखते हैं, मल्टीप्लीकेशन करके देख लेते हैं, प्रिंट मल्टीप्लीकेशन इज, मल्टीप्लीकेशन मतलब कि बेटा गुणा, ठीक है, प्रिंट ए, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई के लिए आपको ये वाला साइन यूज करना है, ठीक है। जिसने पिछली बार क्लास करी है उनके लिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ये वाली क्लास, बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, बस इसमें हमने अलग सी चीज़ ये करी है कि अब इस बार हमने ए और बी डिसाइड कर दिया, और सब कुछ हम ए और बी के थ्रू कर रहे हैं, हम बार बार नंबर्स नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। बी डिवाइडेड बाय ए, ठीक है, करके देख लो, वाओ सारे हमारे आंसर्स कितने अच्छे से आ गए, है ना। अच्छा अब एक छोटी सी चीज़ करते हैं, ठीक है, ये आपको बात समझ में आ गई है, तो बिल्कुल सेम टू सेम वही प्रोग्राम है जो हमने पिछली क्लास में करा था, इस बार बस डिफरेंस इतना है कि हमने नंबर्स नहीं लिए ए प्लस बी, ए और बी नाम ले लिए, ठीक है। अब एक चीज़ और करके देखते हैं, ये देखो अभी तक हमने ये वाला सम निकाला है, अब मैं क्या करती हूँ ए की वैल्यू चेंज करके मैं लिख देती हूँ 5 अब, और अब मैं फिर से सम निकालते हैं, अब हम फिर से सम इज करके देखते हैं,
सिंपल है, ए प्लस बी लिखो, नंबर्स नहीं लिखने। अब देखो क्या आंसर आएगा। पहले क्या आया, पहले हमारा ए 3 था, बी 4 था, तो 3 + 4 = 7। अब मेरा ए 5 है, बी हमारा पहले वाला ये 4, सो 5 + 4 = 9। ये बात समझ में आई? ये देखो मैं फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पर ए 3 है, बी 4 है, तो ए प्लस बी करा हमने, दैट इज 3 + 4 = 7 आया। अब हमारा ए बदल गया है, ए के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई है, 5 आ गई है, तो यहाँ पे क्या होगा, 5, ए की वैल्यू 5 हो गई, लेकिन बी नहीं बदला, बी अभी भी 4 ही है, 5 + 4 = 9। आप इस तरह से समझो बेटा, मेरे पास देखो, मेरे पास 2 बॉक्सेस हैं, ठीक है, एक बॉक्स का नाम मैंने ए रख दिया, एक बॉक्स का नाम मैंने बी रख दिया, ठीक है। पहले मैंने ए के अंदर 3 डाला और बी के अंदर 4 डाला, और फिर इन दोनों को प्लस करा, तो आंसर मुझे क्या मिलेगा, 7, जो कि मुझे यहाँ से मिला, राइट। अब मैंने क्या करा, अब मैंने, एक मिनट फिर से बना लेते हैं, अब मैंने क्या करा, ए के अंदर वैल्यू डाली 5, ठीक है, और बी के अंदर तो पहले ही डाली हुई थी वैल्यू 4, है ना। इसमें मैंने क्या करा, 3 को हटा दिया, फेंक दिया बाहर, ठीक है, और मैंने 5 डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। ये बात समझ में आई, एक बॉक्स है ए, एक बॉक्स है बी, उसमें पहले वैल्यू थी 3, जो कि मैंने उठा के बाहर फेंक दी। अब उसके अंदर मैं न्यू वैल्यू लेकर आई हूँ यहाँ से 5, अब उसके अंदर न्यू वैल्यू क्या है, 5, और बी के अंदर तो पहले से ही क्या है, 4 है, है ना, बी में तो हम कोई भी न्यू वैल्यू लेकर नहीं आए, राइट, सिर्फ एक ए के अंदर न्यू वैल्यू लेकर आए। तो अब क्या होगा, 5 + 4 = 9। इसलिए हमारा सेकंड वाले केस में यहाँ पर आंसर हमारा 9 आ रहा है और पहले वाले में 7 आ रहा है। बात समझ में आ रही है? अब मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ये समझो, आपके पास 2 बॉक्स हैं, एक बॉक्स के अंदर ए है, एक बॉक्स का नाम है ए और दूसरे बॉक्स का नाम है बी। पहले वाले बॉक्स में हमने कोई वैल्यू डाली, लेकिन हमारी मर्जी है, हम उस वैल्यू को कभी भी उठा के फेंक सकते हैं और उसके अंदर नई वैल्यू डाल सकते हैं, इट्स अप टू यू। वो बॉक्स आपका है, आपने चूज करा है, आपने वो बॉक्स बनाया है, इस तरह से समझो, ठीक है। सो ए और बी एक तरह से बॉक्स समझो, और उसमें जो आप वैल्यू डाल दोगे वो उसके अंदर ऐड हो जाएगी। ये बात समझ में आई बेटा, ठीक है। जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी वो इससे थोड़ी सी आगे होगी, ठीक है। अभी आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ए और बी जो है उसके अंदर वैल्यूज़ हम जब चाहें चेंज कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर्स आएंगे। अब आपका होमवर्क ये है, आप लोगों को जो मुझे वो बना के देना है प्रोग्राम, वो ये बना के देना है, ये वाला, ये देखो, आपको पहले ए और बी की वैल्यू, सॉरी, ए और बी की वैल्यू आपने 3 और, कोई भी आप 2 वैल्यू रख सकते हो, 3 और 4 नहीं, कोई बड़ी सी वैल्यू भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। और आपने सम प्रिंट करा दिया, ठीक है, और फिर आपने इनका, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी करा दो, ठीक है, गुणा भी करा दो इन दोनों का, ठीक है, गुणा करा दिया। अब आपको बेटा ए की वैल्यू भी चेंज करनी है। अब आप ए के अंदर कोई और वैल्यू डाल दो, अब आपने डाल दी, नहीं, अब हम इस बार बी नहीं करते, ए नहीं करेंगे, बी करेंगे। अब आपको क्या करना है, ए बी के अंदर अब आपको कोई भी और वैल्यू डाल देनी है, 7 डाल देनी है। अब आपको नया प्रिंट कराना है, दूसरी बार प्रिंट कराना है, लिखना है आपको न्यू सम इज, ठीक है, प्रिंट वही ए प्लस बी लिखेंगे हम तो जैसे पहले लिखा था, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, वो अपना अपनी वैल्यूज खुद उठाएगा। और हमें नेक्स्ट क्या प्रिंट कराना है, मल्टीप्लिकेशन इज,
सॉरी न्यू मल्टीप्लीकेशन लिखना है आपको, न्यू मल्टीप्लीकेशन इज, तभी तो पता चलेगा क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, इस बार याद रखना हमें, मैं देखो b की वैल्यू चेंज करी है, a की वैल्यू वही है, देखते हैं क्या आता है। ये देखो पहले मेरी यहाँ पर मेरी a की वैल्यू क्या थी 3, b की वैल्यू क्या थी 4, सो a यहाँ पर 3 प्लस 4 क्या हो गया 7, एंड मल्टीप्लीकेशन में 3 प्लस 4 3 इंटू 4 इज 12। ठीक है, अब मैंने a की वैल्यू क्या, a की वैल्यू तो 3 ही है राइट, और b की वैल्यू मैंने क्या कर दी 7, तो सम क्या हो गया 10, एंड 3 इंटू 7 3 7 जा 21, मल्टीप्लीकेशन क्या हो गया 21। ये बात समझ में आई, मेरे पास बॉक्स था a, उसमें पहले मैंने 3 डाला और दूसरी बार भी 3 ही रहा, मैंने उसमें कोई चेंज नहीं करा। दूसरा बॉक्स था b, जिसमें पहले मैंने 4 डाला, फिर मैंने बाद में क्या सोचा, नहीं मुझे 4 नहीं चाहिए, मुझे उसको कुछ और वैल्यू चाहिए, तो मैंने 4 उठा के फेंक दिया और उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 7। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर्स आए हैं, न्यू सम और न्यू मल्टीप्लीकेशन उसी के अकॉर्डिंग आए हैं। आपको यही चीज़ मुझे करके दिखानी है अपने होमवर्क में, ठीक है, कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ लेना। थैंक यू बेटा।